उनको हर चीज़ में केवल वोट नज़र आती है। और वो उद्घाटन भी चुनाव के चलते हो रहा है। मैं आम आदमी पार्टी के जिम्मेवार लोगों को सार्वजनिक बहस की चुनौती देता हूँ। हमारे सीने में दर्द है नजफगढ़ को लेकर। हरिंदर जी, नजफगढ़ वार्ड 43S में बीजेपी की टिकट के प्रबल दावेदारों में आपका नाम भी है। नजफगढ़ 43S वार्ड की बात करें तो इस वार्ड में एक सबसे बड़ी समस्या थी, जो कि पानी भराव की समस्या। जल भराव को लेकर आपने काफ़ी मुद्दे भी उठाए, जल भराव को लेकर आपने संघर्ष भी किया। इस जलभराव की समस्या के लिए जो सम्पेल बनना था, अब सुनने में आ रहा है कि मंत्री जी ने इसका उद्घाटन भी कर दिया है, उसको लेके आप क्या कहेंगे? अब चुनाव के समय मुझे लगता है कि नगर निगम का चुनाव आ रहा है, इसके कारण से शायद ये उद्घाटन हुआ है। काम हुआ या नहीं हुआ पूरा, ये मेरी जानकारी में नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं कि चुनावी माहौल है, इस वजह से जो काम पहले एक साल पहले भी हो सकता था, लेकिन अभी चुनावी दिनों में इसका जो है उद्घाटन करके कहीं इसको चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, आप क्या कहेंगे इस विषय पर? हो सकता है ये भी, क्योंकि जैसा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके सब लोगों का स्वभाव है, उनको हर चीज़ में केवल वोट नज़र आती है। शराब के ठेके खोलेंगे, अपने घोषणा पत्र में लिखेंगे कि स्वराज है, लोगों से पूछकर ठेके खोले जाएंगे हम WRWA से, लेकिन जब पैसा आ जाता तो सब भूल जाते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम सरकारी सुविधाएं नहीं लेंगे, सरकारी सुविधाएं लेते हैं। आज दिल्ली के अंदर कोई 1 किलोमीटर सड़क का हिस्सा साबुत नहीं है, टूटा हुआ है। लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं, समझाने की आवश्यकता है कि PWD की रोड हैं जो मेन रोड्स हैं, PWD के नाले हैं जिनकी सिल्ट नहीं निकाली जाती, केवल भ्रष्टाचार होता है और वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। पंजाब में इसी झूठ के सहारे कि हमारे वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल देखिए, कोरोना में त्रस्त गए लोग इलाज के लिए, वो वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटलों की बात जो कर रहे थे, वर्ल्ड क्लास हमारे स्कूल देखिए। यानी कि अपने आप ही अपना सर्टिफिकेशन देना और उनकी व्यवस्था के इसी बात से पता चलता है कि सम्पेल जो तैयार हो जाना चाहिए था मई 2021 में, वो आज उसका उद्घाटन हो रहा है मार्च 2022 में, और वो उद्घाटन भी चुनाव के चलते हो रहा है। उसका काम पूरा हुआ नहीं हुआ, ये अभी उसका टेस्ट होना बाकी है। 10 मार्च को 2021 को DMRC ने ये सैंपल बनाकर PWD को हैंडओवर कर दिया था। आज हम बात करें तो मार्च 2022 आ गया, एक साल के बाद भी वो उद्घाटन तो हुआ है, लेकिन उसमें अभी कितनी सार्थकता होगी, कितना उन्होंने उसको पंपिंग वगैरह सारा वो इंस एंड आउट्स के पाइप डाले हैं नहीं डाले हैं, ये मुझे नहीं पता। अच्छा होता कि मंत्री जी ने उद्घाटन किया तो बाज़ार के लोगों को बुलाते, हम जैसे लोगों को भी बुलाते, हर विषय पर राजनीति को नहीं बांधा जा सकता। सर, चुनावी माहौल में सम्बेल का उद्घाटन हुआ तो आप कहते हैं कि उन्होंने राजनीति की है, लेकिन मुझे याद है कि सम्बेल के मुद्दे पर राजनीति ना करें हरिंदर सिंगल, ऐसे करके पूरे नजफगढ़ में भी पोस्टर लगाए गए थे। राजनीति आप कर रहे हैं या राजनीति वो कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं चाहूँगा कि एक बहस हो सार्वजनिक, जिसके अंदर माननीय मंत्री जी भी हो सकते हैं, आम आदमी पार्टी का कोई और भी नेता आ सकता है। हमारे सीने में दर्द है नजफगढ़ को लेकर, ये जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। सैंपल का काम एक साल में जाकर भी अभी पूरा नहीं होता, यहाँ सिल्ट नालों की नहीं निकाली जाती, सड़कें दलदल हैं, खड्डों में हैं, कभी पानी आ जाता है बाढ़ का भर जाता है तो फसलें खराब हो जाती हैं, कोई देखने नहीं जाता। आखिर इस नजफगढ़ का जुर्म क्या है, या इलाही ये माजरा क्या है? मैं आम आदमी पार्टी के जिम्मेवार लोगों को सार्वजनिक बहस की चुनौती देता हूँ। नजफगढ़ के ऊपर राजनीति कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, इसका जनता फैसला करेगी, और मैं चाहता हूँ उसके टेलीकास्ट भी सभी चैनलों पर आए। सर, जल भराव की समस्या को लेकर एक सैंपल ही समाधान के तौर पर दिख रहा था, और उस सैंपल को शुरू करवाने के लिए आपने काफ़ी संघर्ष भी किया है। आज उद्घाटन चाहे कोई भी करे, लेकिन सैंपल शुरू हो चुका है, इसका श्रेय आप किसको देंगे? इसका श्रेय निश्चित रूप से मैं हमारे माननीय सांसद प्रवेश वर्मा जी को देना चाहूँगा। नजफगढ़ मेरी मातृभूमि है, कर्म भूमि है, धर्म भूमि है। मैंने यहाँ जन्म लिया, मेरे पुरखों ने यहाँ जन्म लिया, तो हम तो यही चाहते हैं कि ये एक सुंदर रूप में इसका सारा नज़ारा हो, जहाँ पर अभाव ना हो, स्वच्छता हो, सफाई हो, हरियाली हो और प्रशासनिक सुविधाएं हो। मेरा अपना सपना है नजफगढ़ को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिंदर सिंगल जी ने
आम आदमी पार्टी के सभी सदस्यों को या उनके पदाधिकारियों को खुली बहस की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि नजफगढ़ के मुद्दों को लेकर वे एक खुले मंच पर आपस में चर्चा कर सकते हैं। नजफगढ़ में जल भराव की समस्या के समाधान के तौर पर जहां समवेल का उद्घाटन हो चुका है, तो अब उम्मीद केवल यही लगाई जाएगी कि इस बार बरसात में मानसून में क्षेत्रवासियों को जल भराव की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। न्यूज 43 चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें।